दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी भाई बहनों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भोले तंत्र पर। आशा करता हूँ आप सभी सुखमय और मंगलमय होंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक पे बात करेंगे उस रक्षा मंत्र के बारे में। देखिए साधना के क्षेत्र में अगर आप के पास देखिए गुरु मंत्र है तो उससे बड़ी शक्ति तो कोई हो ही नहीं सकती आपकी। ठीक है, आपकी महाशक्तियों में गुरु मंत्र की नंबर एक पे मतलब कि उसकी उपलब्धि की जाती है। मतलब जो उसकी रैंकिंग अगर करी जाए तो नंबर एक पे आपका गुरु मंत्र ही सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा जो आपकी ज़िंदगी पर रक्षा करता है। ठीक है, उसके लिए रक्षा मंत्र की ज़रूरत वैसे पड़ती नहीं है। पर अगर मान लीजिए अगर आप कोई उग्र साधनाएं कर रहे हैं, ठीक है, या जो आपको झाड़ा लगाना है या लोगों को लौंग बना के या सिर दर्द का सर का झाड़ा लगाना है या किसी भी मतलब कि घेरा लगाना है तो उसके लिए रक्षा मंत्र की ज़रूरत पड़ती है उग्र साधनाओं में। ठीक है, तो रक्षा मंत्र देखिए कई तरह के होते हैं पर सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर रक्षा मंत्र गिना गिना जाता है बजरंग बली जी का। ठीक है, तो मेरे पास जो रक्षा मंत्र मेरे गुरुमुखी का है, मेरे मतलब गुरुदेव जी ने हमको दिया था, उसमें तीन शक्तियाँ एक साथ जुड़ी हुई हैं रक्षा मंत्र में। एक पहला बजरंग बली जी, दूसरा माँ शानी वो काली माता, और तीसरे भैरव बाबा। ठीक है, तो उसमें तीन मिला के रक्षा मंत्र बहुत पावरफुल हो जाता है। पर वो अभी रक्षा मंत्र मैं आप लोगों को दूंगा नहीं जब तक मैं अपना मतलब ग्रुप मेरा मतलब मेरे सब्सक्राइबर 1000 के ऊपर नहीं हो जाएंगे। तो जल्द से जल्द अपने भी यूट्यूब परिवार को बढ़ाइए और जल्दी जल्दी मतलब कि उसको 1000 के पार करिए, जैसे कि मैं उसको मतलब यूट्यूब मतलब कि अपने सारे भाई बहनों का जितना भी है तो व्हाट्सअप नंबर से मतलब ग्रुप बना के सबको वो वाला रक्षा मंत्र दे सकूँ। मतलब ये समझ लीजिए कि वो इतना पावरफुल मंत्र है कि अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया तो समझ लीजिए कि फिर कोई दूसरा रक्षा मंत्र सिद्ध करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पहली चीज़। और दूसरी बात ये चीज़ कि अगर देखिए रक्षा आप कोई भी साधना करते हैं, छोटी मोटी साधनाएँ करते हैं जैसे कि मशान हो गया, ठीक है, और जैसे कि छोटी मोटी मतलब साधना है, ज़्यादा उग्र साधना है नहीं है, तो आपको पहली चीज़ तो रक्षा मंत्र यूज़ करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आप रक्षा मंत्र यूज़ करेंगे, घेरा लगाएंगे, दिशा बंधन करेंगे, आसन कीलन करेंगे, शरीर कीलन करेंगे, तो उससे क्या होता है कि जो शक्ति आपके पास समीप आने वाली होगी वो तो वो आएगी नहीं। ठीक है, वो तो आ ही नहीं पाएगी और रुष्ट होकर वापस चली जाएगी कि बताइए अगले ने बुलाया हम उसको जाप करके, और मैं जब उनके पास आया हूँ तो उन्होंने रक्षा मंत्र से मतलब कि मुझको मतलब धकेल दिया, पीछे धक्का लगा दिया। तो उसके वजह से कभी कभी इसमें दिक्कतें आ जाती हैं वैसे। तो चलिए ठीक है, मैं आपको एक रक्षा मंत्र बता देता हूँ कुछ सटीक। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने यूट्यूब पर फैमिली को बढ़ाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सटीक ज्ञान लोगों तक पहुँच सके और निःशुल्क पहुँच सके। ठीक है, और मैं बहुत जल्दी ही मतलब अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूँ, तो 3-4 वीडियो के बाद मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, जिससे कि मतलब आपको मतलब जो मंत्र और विधान वगैरह रहेंगे तो वो आपको मतलब व्हाट्सएप पे ही दूंगा। मतलब मैं यूट्यूब पर इसे खुला नहीं दे सकता क्योंकि लोग मिसयूज़ कर सकते हैं इस चीज़ का, फिर अपने यूट्यूब पर अपने चैनल पर डाल के फिर अपनी वाहवाही कमाते हैं। ठीक है, उसी का पैसा यूज़ करते हैं लोग। तो विधान सुन लीजिए, बजरंग बली जी का मंत्र है और ये समझ लीजिए एक वज्र के बराबर है वो भी। ठीक है, इसमें केवल बजरंग बली जी का है। तो विधान सुनिए कि एक लाल आसन लेंगे, ठीक है, आपकी जो चौकी होगी उस पर लाल कपड़ा बिछाएंगे, एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, ठीक है, अगरबत्ती लोबान और बताशा लौंग और कपूर का भोग रहेगा। ठीक है, लोबान आपको सुलगानी पड़ेगी। ठीक है, और लाल आसन पर बैठ जाएंगे, रात्रि 10 बजे 1 घंटा जाप करना है, 108 बार जाप करना, उंगली पे भी जाप कर सकते हैं। ठीक है, 40 दिन का विधान है, 41वें दिन आपको जाप करके हवन करना पड़ेगा 101 बार। ठीक है, तो 40 दिन भी वैसे ज़्यादा है, मतलब ये है कि पूर्णता सिद्ध हो जाएगा, ये चारों कोनों से ही इसकी जागृति हो जाएगी मंत्र की शक्ति की, तो इसीलिए बोला 40 40 दिन। मतलब कि ये होता है कि पूर्ण सिद्धि, अच्छी सिद्धि जिसको मानते हैं वो 40 दिन की ही मानते, 41 दिन की। ठीक है, तो जैसे कि आपने मंत्र स्टार्ट किया, ठीक है, तो 108 बार है, मुश्किल मुश्किल अगर आप आराम से भी जाप करेंगे तो 15 से 20 मिनट का जाप हो जाएगा। ठीक है, तो जाप करना है आपको नहा धो के और आसन में बैठ के, पहले आसन सबसे पहले आसन को नमस्कार करिए, ठीक है, फिर बैठ जाइए, फिर अपने इष्ट का ध्यान करिए और गुरु मंत्र की एक माला जरूर करिए,
कोई भी साधना करने से पहले, सबसे पहले अगर आपने गणेश पूजन, ठीक है, अपने इष्ट का पूजन, अपने गुरु मंत्र का जाप किया, तो ये समझ लीजिए कि फिर आपकी साधना तो मतलब 100% होनी ही होनी है, ऐसा कंप्लीट, उसमें दो राय नहीं है कि मतलब आप में कोई त्रुटि आएगी। अगर सच्चे मन से फिर किया आपने तो फिर कोई रोक नहीं सकता आपको। और पहली चीज़ ये कि यार देखिए, प्रत्यक्षीकरण जो लोग कहते हैं कि मैं प्रत्यक्षीकरण करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, भाई इतना आसान नहीं होता है प्रत्यक्षीकरण कराने के लिए। प्रत्यक्षीकरण कराने के लिए जब सबसे पहले आपका आज्ञा चक्र खुला होना चाहिए, आपकी दृष्टि खुली होनी चाहिए, जिससे कि आपको सामने वाली चीज़ दिखे। छोटी मोटी चीज़ें तो है नहीं है, ठीक है, पैरानॉर्मल चीज़ें तो है नहीं, जैसे सूक्ष्म जगत की चीज़ें हैं, जब तक आपकी दिव्य दृष्टि, आपका आज्ञा चक्र नहीं खुल सकता, कुंडलिनी शक्ति नहीं जागृत हो सकती, उसके बाद तो आप कर ही नहीं सकते कुछ। पहली चीज़ तो अपना गुरु मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख पे देखिए खुलता है। अपने गुरु मंत्र के 6 लाख पे एक लिमिट होती है, उसके बाद ही आपका आगे चक्र ओपन होता है। अगर शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो 36 लाख, नवाना मंत्र कर रहे हैं तो 36 लाख, ये जाप करने के बाद ही चीज़ें अनलॉक होती हैं आपकी, ठीक है। तभी आपको ये सब चीज़ें दिखना स्टार्ट होंगी, तभी आप इनसे बातें कर पाएंगे, तभी आप इनसे बिल्कुल आँख मतलब सामने फेस टू फेस बात कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे आप तो उन्हें अदृश्य सिद्धि हो जाएगी, चलिए ठीक है, जब फिर ये अदृश्य सिद्धि आपके साथ चलेगी, आपका काम करेगी, भोग पे काम करेगी, ठीक है। पर जब तक आपका गुरु मंत्र और ये सब मतलब आपकी जो जैसे आग्रह का आज्ञा चक्र धीरे धीरे खुलेगा ना, वैसे ही आपको उन सब चीज़ों का अनुभव सामने से होने लगेगा अपने आप। लोग कहते हैं कि मुझे यार सिद्धि हुई है कि नहीं हुई है, कन्फ्यूज़ रहते हैं आदमी, पर यार वो सिद्धि साथ में ही चलती है मेरा भाई, हमेशा साथ में चलती है, हमेशा साथ रहती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो जब तक, हाँ, जो हम लोग आज के युग में जो जब तक सामने नहीं देख लेता है कि हाँ ये चीज़ सामने है मेरे, तब तक यकीन नहीं करता, पर यार ये चीज़ होती है, मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ मैं तुम्हें। पहले मैं भी सोचता था, पर जब जैसे मेरा आज्ञा चक्र खोला है, मेरी दृष्टि खुली है, तब से मुझे यकीन हो गया कि हाँ भाई ऐसा ही होता है, सटीक चीज़ है ये चीज़। तो विधान मैंने आपको बता दिया, 40 दिन का है, ठीक है, खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अगर बीच में ग्रहण पड़ जाता है तो बहुत बढ़िया है, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो। तो मंत्र सुन लीजिए, ओम नमो वज्र का कोटा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। ये मंत्र है, मंत्र दोबारा सुन लीजिए, ओम नमो वज्र का कोटा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, बैठा नहीं है बैठा है, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला, ठीक है। तो इस मंत्र का जाप करके आप उसको सिद्ध कर लीजिए सबसे पहले, और मंत्र सिद्ध होने के बाद अगर आपको इसको परीक्षण करना है, हाँ एक चीज़ याद आई कि देखिए, अगर कोई भी चीज़ आप सिद्धि कर रहे हैं, आपकी कोई चीज़ साधना आपको सिद्धि मिली है किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो पहले उस चीज़ का परीक्षण कर लेना चाहिए कि कितनी पावर आई है, कितना क्या हुआ है, और वो कितना काम कर सकती है, कितनी पावर में, समझ रहे हैं आप। तो उस चीज़ को पहले, जैसे मंत्र आपका सिद्ध हो जाए, तो जैसे किसी की तबीयत ख़राब है, या सर दर्द है, या पेट में दर्द है, या उलझन हो रही है, या फिर कोई मतलब दिक्कत आ रही है उसको, तो उसको पानी बना के, लौंग बना के दे सकते हैं, बताशा बना के दे सकते हैं, तो उसको और अगरबत्ती मतलब पढ़ के दे सकते हैं उसको जलाने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इनमें प्रैक्टिकल किए जाते हैं, तब जाके पता चलता है कि सिद्धियाँ हमारे पास आई है, सिद्धि हमारी काम कर रही है, भोग पे चलती है, समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई इतनी जल्दी ये सब चीज़ों को बताता नहीं है, पर ये सब पेड चीज़ें हैं, लोग मतलब इस चीज़ का पैसा लेते हैं बताने के लिए। पर मैं आपको, जब मैंने आपको एक चीज़ का वादा किया है कि इस चीज़ में मैं 1 रुपया नहीं लूँगा आप लोगों से, समझ रहे हैं ना। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छी लगी होगी, जल्द से जल्द मेरे चैनल को 1,000 2,000 के पार कराइए, और व्यूज़ बढ़ाइए, जिससे कि अपना परिवार बढ़े, ठीक है। और एम करते हैं 100 लाइक का, ठीक है। जय माता दी, जय भोले शंकर, महारुद्राय, ओम नमो भगवते।